मत्स्यी या फिशरीज़ जिसे हम कहते हैं वो क्या है मछली का पालन करना तो केवल मछली का पालन ही नहीं इसमें हम कुछ जलीय जीवों को पकड़ना और उन्हें पालना और उनके उत्पादों को और उनको जो है बाजार में बेचना और एक आय का मुख्य जो है स्रोत बनाना ये इसमें शामिल है अब जो मत्स्य की उद्योग है इसमें जो जलीय जीव है वो कौन कौन से हैं आइए देखें इसमें हम झींगा केकड़ा लॉबस्टर और आइस्टर जो है इन्हें भी पाल सकते हैं क्योंकि ये भी जो है खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये जो उद्योग है इसमें हमें मुख्यतः ये ज्ञान होना चाहिए कि जो जल है इसकी प्रकृति कैसी है क्योंकि हमको पता है कि जो जल है इसमें अगर लवण मिले हुए हैं सॉल्टी है तो ये खारा पानी है जो कि समुद्र में मिलता है और अगर अलवणीय जल है जो कि नदी का मीठा पानी है वो है तो उसमें कौन सी मछलियाँ पाई जाएंगी ये हमें ज्ञान होना जरूरी है जैसे यहाँ देखिए जो अलवण जल है जिसे हम मीठा या नदी का पानी कह रहे हैं झरनों का पानी है या जहाँ हम छोटा तालाब बना रहे हैं वो है तो वहाँ पर हम जिन मछलियों का पालन करेंगे वो होंगी कतला रोहू कॉमन कार जो है ये और जो लवण जल है जिसमें कि सॉल्टी वाटर जिसे हम कहते हैं उनमें पाई जाने मछलियाँ हैं हिलसा सरडाइन मैकेरल कॉम तो ये जो मछलियाँ हैं ये लवणीय जल में पाई जाती हैं अब ये जो है रोजगार जो है लाखों किसानों मछुआरों का जो है एक मुख्य रोजगार बन गया है और बढ़ती हुई मांग जो है मछलियों की या ऐसे खाद्य पदार्थों की तो इससे क्या हुआ है कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर तो ये एक मुख्य जीविका का आधार बन चुका है या एकमात्र साधन बन चुका है तो ये जो मांग है इसे हम पूरी करने के लिए सिर्फ पारंपरिक जो हमारी तकनीकी जो हैं आजकल की जो हैं वो उन्नत हो चुकी हैं पारंपरिक से हटकर मतलब उन्हें भी शामिल करते हुए हम कुछ नई तकनीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे कि हमने दूध में श्वेत क्रांति लाई दूध से रिलेटेड या हम कहें कि अनाज की फसलें जो हैं उससे हरित क्रांति लाई तो अब हम इन नई तकनीकों का यहाँ इस्तेमाल करके नील क्रांति की बात कर रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल जो है मछली पालन केंद्र भी खोले गए हैं तो ये जो मछली पालन केंद्र हैं इनके क्या कार्य हैं आइए थोड़ा देखते हैं पहला है कि अच्छी जाति की विभिन्न मछलियों को एकत्रित करना और जब मछलियाँ हमने एकत्रित की हैं तो उसी उन्हीं जाति की जो है कुछ नर मछलियों को भी हमें एकत्रित करना होगा प्रजनन हेतु फिर उनके अंडों को एकत्रित करना अंडों का निषेचन जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन वो फिर अंडों के निषेचन के बाद जो अंडज जिसे हम हैचिंग कहते हैं उसका उसकी उत्पत्ति फिर इनमें पोनी या फ्राई जो है उन्हें जलाशय में रखना क्या होता है कि ये जो कार्य है ये हम जब तक नहीं समझेंगे हमें इसमें जो है इनकी विभिन्न अवस्थाओं को भी जानना जरूरी है क्योंकि इनकी अवस्थाओं के ही अनुरूप हम इन्हें अलग अलग जलाशयों में रखते हैं तो इनकी विभिन्न अवस्थाएं जैसे आपने देखा सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है अंडे जिन्हें हम एग्स कहते हैं फिर पोनी जिन्हें अंग्रेजी में फ्राई कहते हैं फिर आंगुलिक जिन्हें हम फिंगर लिंक्स कहते हैं और वयस्क जो कि एडल्ट है तो ये जो अवस्थाएं हैं इन्हीं अवस्थाओं के अनुरूप इनके अलग अलग जलाशय बनाए जाते हैं और उन जलाशयों के नाम भी अलग अलग है जैसे कि ये यहाँ देखेंगे आप अंडे जो है ये निर्गमन जिसे हम आ, कहते हैं हैचिंग रिजर्वियर्स या जलाशय उसमें रखते हैं फ्राई और फिंगर लिंक्स जो हैं वो संवर्धन जो कि कल्चर पॉन्ड होता है उसमें रखी जाती है फिर वयस्क होने तक जो है इसका जो है फ्राई और फिंगर लिंक्स जब तक के वयस्क हो रही हैं तब तक इन्हें हम स्टॉकिंग या संग्रहण जो जलाशय है उसमें रखते हैं और जब ये एडल्ट हो जाती हैं जब ये प्रजनन के लिए तैयार है या ब्रीडिंग जो इनका जलाशय है इसमें उसमें उन्हें शिफ्ट किया जाता है तो इस तरह विभिन्न जलाशयों में इनकी अवस्थाओं के अनुरूप इनको रखा जाता है अब हम देखें कि ये सारी बातों के ज्ञान के अलावा जो फिशरीज है उसमें जो बेसिक बातें हैं वो क्या हैं जिसका ध्यान रखना होगा तो वो मछलियों के क्या ऐसे विशेष गुणधर्म होने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा उत्पादन हासिल कर सकें और बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें तो वो पॉइंट्स कौन से हैं सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो मछलियाँ हम पाल रहे हैं वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक प्राकृतिक दोनों तरह के आहार को खाने की क्षमता रखती हूँ ये मछलियाँ जो हम पाल रहे हैं ये शाकाहारी स्वभाव की हो नहीं तो वहीं की मछलियों को ये मारकर अपना भोजन ग्रहण करेंगी तो ये ना हो है ना तीसरा इनमें एक विशेष गुणधर्म ये होना चाहिए कि ये जो तालाब का जल है जहाँ हम इन्हें पाल रहे हैं उसके स्वभाव और जो वातावरणीय बदलाव हैं जो दशाएं हैं वातावरण की उसमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उस परिवर्तन को ये सहन कर सके ताकि ये ना हो कि अगर थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है तो इन मछलियों की सहनशीलता कम हो जाए और ये आ, मर जाए तो ये ना हो इसलिए वो परिवर्तन जो है उसको ये सहन करने वाली हो फिर शीघ्र वृद्धि इनकी वृद्धि जो है जल्दी हो अच्छी लंबाई हो इनकी मोटाई जो है इनका वज़न जो है वो बढ़े तो ये जो भार की क्षमता है लंबाई की क्षमता है उसको ग्रहण करने में सक्षम होनी चाहिए इसके अलावा इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये कूट कूट कर भरी होनी चाहिए क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता अगर अच्छी होगी तो ये मछलियाँ जो हैं थोड़े बहुत बदलाव या थोड़े बहुत जो चेंजेस हो रहे हैं परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको सहन करके जीवित रह पाएंगी इसके अलावा ये अन्य मछलियों के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए कि ये अन्य मछलियों के मछलियाँ जो उस तालाब में हैं उनके साथ बिना किसी कठिनाई के रह सके नहीं तो मछलियों में भी लड़ाई होती है और जनरली जब मच, एक मछली मछली दूसरी पर अटैक करती है तो वो सबसे पहले उसकी आंखों पे अटैक करती है जनरली घर में भी जो एक्वेरियम्स होते हैं हमने उसमें भी देखा है कि ये होता है तो वो एक साथ मिलकर रहने की जो उनकी क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए अन्यथा ये एक दूसरे को ही मार देंगी हम जनरली ये भी देखते हैं कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है पानी का ये भी कभी कभी कम ज्यादा होते रहता है तो वो जो सारे परिवर्तन है कभी टेम्परेचर कम है कभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो कभी पानी में मटमैला पानी है तो ये सारी जो चेंजेस हैं तो ये सारे बदलाव को सहन करते हुए इनमें वृद्धि हो इनकी उत्पादन क्षमता बढ़े ये हमारा मुख्य उद्देश्य है ताकि हमसे हम इनके उत्पादन से अपनी आजीविका जो आजीविका है जो ये फिशरीज से जो आने वाली आय है उसमें भी वृद्धि हो सके पादप प्रजनन पादप प्रजनन पादपों की अनुवांशिकता को परिवर्तित व उन्नत करने की कला व विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधी होती हैं। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं फसल की एक नई अनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में ये बिंदु शामिल होते हैं पहला परिवर्तनशीलता का संग्रहण अनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार है बहुत सी फसलों में पूर्ववर्ती अनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अरील का समस्त संग्रहण को उसका जनन द्रव्य जर्म संग्रहण कहते हैं दूसरा जनकों का मूल्यांकन तथा चयन जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ अभी निर्धारित किया जा सके चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है तीसरा चयनित जनकों के बीच पर संकरण वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है उदाहरण के तौर पर एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण है दोनों के संयोजन की आवश्यकता है यह काफी कठिन तथा अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है यह भी आवश्यक नहीं कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही सामान्यता कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में से केवल एक में ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है श्रेष्ठ पुनर्योग का चयन तथा परीक्षण इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिसमें वांछित लक्षण संयोजित हो प्रजनन उद्देश्यों को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है अतः संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है इस चरण के परिणाम स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं दो दो जो दोनों जनकों में श्रेष्ठ होते हैं नए कंक्षणों का परीक्षण निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण नवचयनित वंशक्रम का उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता मूल्यांकित किया जाता है मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हो सिंचाई का पानी मिल रहा हो तथा अन्य प्रबंधन आदि उपलब्ध हो वहां पैदा किया जाता है तथा उनमें उपरयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है अनुसंधानिक खेत में मूल्यांकन के बाद पौधों का परीक्षण देश भर में किसानों के खेत में कई स्थानों पर कम से कम तीन ऋतुओं तक किया जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जी की लगभग 33 प्रतिशत समझ प्रतिशत जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पादन करना था जैसा कि हमें ज्ञात है कि खेती के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है अतः भारत को इसी उपलब्ध भूमि से प्रति यूनिट उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे 1960 के मध्य से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई इसे हम सामान्यता हरित क्रांति के नाम से जानते हैं चित्रों में उच्च उत्पादन वाली किस्मों के भारतीय संकर फसलों को दर्शाया गया है गेहूं तथा धान 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ जबकि धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर नवासी मिलियन टन तक पहुंच गया इसका कारण गेहूं तथा धान की अर्धवामन किस्मों का विकसित होना है मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज में नोबल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मन ई बारलॉग ने गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किया यह उसी का परिणाम है कि उन्नीस में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया अर्धवामन धान की किस्मों को आई आर एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आई आर आर आई फिलिपींस में पैदा तथा थाईचुंग नेटिव वन ताइवान से व्युत्पन्न किया गया 1966 में इन व्युत्पन्नों को प्रयोग में लाया गया बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाली अर्धवामन किस्में जया तथा रत्ना को भारत में विकसित किया गया गन्ना सैकेरम बारबरी को मूलतः उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था परंतु इसका शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम थी दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्ण कटिबंधीय गन्ना सेकेरम ऑफिसनेरम सी, का तना मोटा था तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक था परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया इन दोनों किस्मों को सफलता पूर्वक कराया गया ताकि उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना तथा उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके साथ ही इसे उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भी पैदा किया जा सके ज्वार भारत में संकर मक्का ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं उनका विकास संकर प्रजनन परिणाम के परिणाम स्वरूप हुआ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट अनेक प्रकार के रोग कारक जैसे कवक जीवाणु तथा विषाणु उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल जातियों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं इन कारकों के कारण फसलों को 20 से 30 प्रतिशत तक हानि या कभी कभी पूर्ण हानि भी हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेती हर जातियों में प्रजनन एवं विकास से खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है इन्हें उगाने से जीवाणु एवं कवककारी पदार्थों का प्रयोग भी कम हो जाता है तथा इन पर निर्भरता भी कम हो जाती है पोषी पदार्थों की प्रतिरोधकता उसकी रोग जनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के अनुवांशिक ढांचे द्वारा किया जाता है पादपों में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं को प्रेरित किया जाता है तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों की स्क्रीनिंग द्वारा वांछनीय जीव की पहचान की जाती है वांछनीय लक्षण वाले पौधों को या तो सीधे ही गुणित किया जाता है अथवा इसका प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां पहली संकरण हाइब्रिडाइजेशन दूसरी चयन सिलेक्शन इसके अंतर्गत निम्न पदों को अपनाते हैं पहला प्रतिरोधकता स्रोतों के जनन द्रव्य को छानना चयनित जनकों का संकरण तीसरा संकरों का चयन चौथा मूल्यांकन और पांचवा नई किस्मों का परीक्षण तथा उसका उत्पादन नीचे दी गई तालिका में कुछ प्रजातियां दिखाई हैं जिसमें रोग के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाई गई है पीड़कों नाशी कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट पोषी पादप फसलों से कीट प्रतिरोधकता आकारिकी जैव रसायन पर शरीर क्रियात्मक अभिरक्षणों के कारण होता है अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती हैं, जैसे कपास में जैविक तथा गेहूं में धान्य वर्ण भ्रम इस प्रकार गेहूं के विशेष प्रकार के तने के कारण स्टेम सॉप्लाई उनके पास नहीं आती तथा चिकनी पत्तियों वाली तथा मकरंद विहीन कपास की प्रजातियां बाल वर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती नाश कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुक्त प्रजातियां इस प्रकार हैं जो नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं। एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन आइए इसके बारे में जाने। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो उससे हम जो आहार की मांग है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं बहुत बार ये भी हुआ है कि जो मांसाहार की ओर हम झुकने लगे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो पशु है उनकी भी धान्यों की मांग क्योंकि उन पशुओं को हमको बढ़ाना है जिन्हें हम भोजन के रूप में अगर ग्रहण कर रहे हैं तो देखिएगा कि एक किलो मास उत्पन्न करने के लिए हमें तीन से दस किलोग्राम ग्राम धान्यों की आवश्यकता होती है किसी भी पशु के लिए अगर उसे हमें बढ़ाना है तो ये जो है हम कर पा रहे हैं या नहीं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी हम मांग पूरी करने के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में हैं यहाँ पर बड़े दुख की बात है कि 25 प्रतिशत से भी अधिक की जनसंख्या जो है वो भूख कुपोषण का शिकार हो रही है अब सिंगल सेल प्रोटीन है क्या तो जो पशु और मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्त्रोतों में से एक जो है वो होता है एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु यीस्ट, शैवाल व अन्य कवक की बड़े पैमाने पर वृद्धि द्वारा प्राप्त प्रोटीन से है अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिंगल सेल मतलब एकल कोशी की है तो एक आ, सिंगल सेल जो फंगस है कवक है वो ईस्ट है है ना लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि आ, बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंट्स में मशरूम जो है उसे भी बहुत ज्यादा लोग खाना पसंद कर रहे हैं उसकी भी अच्छी अच्छी डिशेस जो हैं लोग बना रहे हैं तो ये भी मशरूम जो है भोजन के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है तो मशरूम संवर्धन भी एक बड़े उद्योग के रूप में उभर कर आ रहा है और एक अच्छा उद्योग साबित हो रहा है अब यहाँ पर ये यह सब देखते हुए हमें विश्वास होने लगा है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी भोजन के रूप में स्वीकार्य होंगे यहाँ पर एक और बात हमको देखना वाली है कि जो कुछ शैवाल हैं जैसे नील हरित शैवाल स्पेरुलेना ये जो आप देख रहे हैं या एक ग्रीन क्लोरो है जिसे हरा शैवाल कहते हैं ग्रीन एल्गी वो है क्लोरेला इन्हें भी लोग जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने एक और इसमें देखेंगे कि ये जो नील हरी शैवाल है इसमें केवल प्रोटीन ही नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट वसा जो है इसकी भी प्रचुर मात्रा इसमें पाई गई है कुछ एक जीवाणु है जिसे मिथाइलोफाइलिस मिथाइलोट्रोपिस नाम का जीवाणु जो है वो भी एक पहला सिंगल सेल प्रोटीन उससे प्राप्त किया है जिसे प्रोटीन ये जो दिख रहा है प्रोटीन ये एक पशु खाद्य पूरक या जिसे हम कहें एनिमल फूड सप्लीमेंट के रूप में हम मान्य किए हैं अनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं उससे भी हमने जियोमोज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्नत किस्म के जो हैं वो ट्रांसजेनिक जिन्हें हम नाम देते हैं कुछ पादप कुछ जंतु हमने आज प्राप्त किए हैं इसमें कुछ उदाहरण हम देखते हैं एक ये देखिए स्क्रीन पे फ्लावर स्लिवर ये एक टमाटर है जो बहुत ज्यादा समय तक खराब नहीं होता इसे उन्नीस सौ चौरानवे में बनाया गया था आ, इसके अलावा अमेरिका में इसके अलावा आ, गोल्डन राइस ये जो है ये भी बनाया गया है ट्रांसजेनिक फसल है ये ये विटामिन ए की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में ये विटामिन ए पाया जाता है भरपूर होती है और सुपर आलू ये जो है ये प्रोटीन से भरपूर है जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में बनाया गया था तो ये बहुत से वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम जो हैं अपनी जो मांग है बढ़ती हुई उसको पूरा करने के लिए अब सूक्ष्म जीवाणुओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हमने एकल कोशिका प्रोटीन नाम दिया है टिश्यू कल्चर जिसे हम ऊतक संवर्धन भी कहते हैं जब हमारी पुरानी पारंपरिक जो तकनीकें थी वो असफल हुई तो हमने कुछ नई प्रौद्योगिकी से उन्नत प्रौद्योगिकी से कुछ नई तकनीकों का जन्म हुआ उसी में से एक है ये टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन ऊतक संवर्धन जैसा कि आप जानते हैं ऊतक जो है वो एक समूह है कोशिकाओं का जो समान है संरचना में और कार्य में तो ऐसे ऊतकों को या कोशिकाओं को या हम कह सकते अंग को संपूर्ण मतलब अलग करके उसी से एक संपूर्ण पौधे को प्राप्त करना ही ऊतक संवर्धन कहलाता है इसमें एक विशिष्ट जैसे हम कहें कि जब हम इसे उगाते हैं तो उसमें कौन से अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हो सकता है पराग कोश जिसे पोलिन सैक कहते हैं या हो सकता है पराग कण जिसे हम पोलिन ग्रीन कहते हैं अंग्रेजी में और या हो सकता है वो भ्रूण जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं तो इन सब को हम क्या करते हैं इन सब को हम एक विशिष्ट माध्यम में और ये विशिष्ट माध्यम सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और एक रहित स्थिति में हम इसे एक ट्यूब में जो है उगने देते हैं अब इसमें पोषक माध्यम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या रखते हैं उसमें हम रखेंगे इस माध्यम में सुखरोज कुछ अकार्बनिक लवण विटामिन्स अमीनो अम्ल तथा कुछ वृद्धि नियंत्रक जैसे हम कह सकते हैं हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स जैसे ऑक्जीन या साइटोकाइनिन इत्यादि का हम इस्तेमाल करेंगे इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत कम अवधि में बहुत कम समय में अल्प अवधि में हम जो है हजारों पादपों का प्रवर्धन इससे कर सकते हैं और इसीलिए इसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं जिसे अंग्रेजी में माइक्रो प्रोपोगेशन विधि का नाम दिया गया है इसका सबसे बड़ा फायदा जो है हालांकि इसमें फायदे तो बहुत सारे हैं पर सबसे बड़ा फायदा जो उभर कर सामने आया है कि जो बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं जो कि हम आज देख रहे हैं कि बाहर के वातावरण में आए दिन बदलाव हो रहे हैं एक सा जो सम, जो हमारा सीजन था वो अब पहले जैसा नहीं रहा है तो वो जो बाह्य पर्यावरणीय बदलाव है उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि हम इसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोफोस्टिकेटेड लैब में कर रहे हैं ठीक है अब इसमें एक और फायदा ये होता है कि जो भ्रूण संवर्धन है या बीजाण संवर्धन है या अंडाशय संवर्धन है इत्यादि जो चीज़ें हैं इससे क्या होता है जो विज्ञान की अनेक गुत्थियाँ हैं इनको लेकर उसे सुलझाने में हमें काफ़ी मदद मिली है इसके अलावा ये जो है अपने अनुवांशिक गुण जो इनके हम कहें मूल पौधे में थे वो समान रहते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आता इसीलिए हम इन्हें सोमा आ, क्लोन जो है वो नाम देते हैं सेम ओके फिर इसी विधि से हमने आ, टमाटर केला सेब इत्यादि का उत्पादन किया है यहाँ पर जो एक और महत्वपूर्ण इसमें हम बात करना जा रहे हैं वो है कि बहुत बार ये होता है कि बहुत से विषाणुओं से कई पौधे ग्रसित होते हैं या हम कहें कि रोग ग्रसित पादपों में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होता है कि जब उनका जो मेरिस्टेम होता है हालांकि पौधा जो है वो भले ही विषाणु से ग्रसित है लेकिन जो मेरिस्टिम जिसे विभय ज्योतक कहते हैं हम वो इससे ग्रसित नहीं रहता तो क्या होता है कि उसको हम मेरिस्टेम को हम अलग कर देते हैं और उस मेरिस्टेम से आ, उसे विट्रो में इन विट्रो हम आ, उगाते हैं तो क्या होता है कि जो पौधा हमें प्राप्त होगा वो रोगाणु मुक्त रहेगा तो इस तरह हमने केला गन्ना और आलू इनकी फसलों पर ये ट्राई किया है इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जो पादप एकल कोशिकाएं हैं उनको अलग किया है टिश्यू कल्चर में और जो कोशिका भित्ति होती है उसको उसका पाचन हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ प्रोटोप्लाजम या कहे प्रोटोप्लास्ट हमको प्राप्त होता है तो प्रत्येक किस्म में अपने अलग कहना चाहिए कि कुछ वांछनीय लक्षण विद्यमान हैं तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है अगर हम कहें कि दो अलग अलग किस्मों के प्रोटोप्लास्ट को हमने अलग किया और बाद में उनको हमने युग्मित किया तो हमको एक नया संकरित या संकर प्रोटोप्लास्ट मिलेगा या हम उत्पन्न करेंगे तो जो ये विधि है इसे हम कहते हैं कायिक संकर और जो प्रक्रम है इस तरह से जब हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं तो वो कहलाता है कायिक संकरण यहाँ पर एक उदाहरण था जैसे टमाटर और आलू इस पर एक प्रयोग किया गया था तो जो टमाटर है इसका प्रोटोप्लास्ट और आलू का प्रोटोप्लास्ट हमने प्राप्त किया और दोनों में संकरण कराया तो जो टमाटर है उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टोमेटो तो और जो आलू है उसे हम कहते हैं पोटैटो तो जया जो नया संक प्राप्त हुआ था उसे नाम दिया गया पोमैटो ओके तो ये जो पोमैटो था ये हालांकि संभव करा है वैज्ञानिकों लेकिन वैज्ञानिकों ने लेकिन इसके जो व्यवसायिक उपयोग के जो आ, कहना चाहिए वांछनीय अभिलक्षण थे उसका इसमें अभाव था है ना इसलिए ये सफल नहीं हो पाया पर टिश्यू कल्चर जो है उसमें हम उतक संवर्धन जिसे हम कह रहे हैं उसमें अनेक वैज्ञानिक गुत्थियाँ सुलझाने में और हमें बहुत सी कम समय में हजारों के तादाद में पौधों को प्राप्त करने में मदद की है